Because he's the only one person who has nominated my name to Haj Committee, All Goa Haj Committee this day. So by my well wishes, Deepak Bab, Jain sir, and all the people who have been with me, my all wishes, I'm thankful to you. Because आप लोगों ने मुझे इतनी सपोर्ट की है और आपके तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया है हजियों को सर्व करने के लिए. मेरी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम हज कमेटी के लिए बेटर से बेटर जिसने की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत गरीब है और जिसके हिसाब से एक स्कॉलरशिप का जो मौका दिया गया है उस चीज़ को हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश करें. फाटली कितेक वर्षा हंगा हम हज कमिटी जाता वास्को मतदार संघाचो कोणूच आमचो मेंबर वो आसताना वो फर्स्ट टाइम आमचो समीर झालेलो आसा. तेका लागून हांव पार्टीचे आनी स्पेशली आमचे आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां खबर आसा वास्कोन आमी जेन्ना आज मंडळ अध्यक्ष आनी आतां पॉलिटिकल आसल्या कारण हांव तुका सांगूंक सोदतां की आमी सदांच मुस्लिमां कडेन वोटींग लागून वयता. इन रिटर्न आमकां कितें मेळपाक जाय आमच्या मतदारसंघान जे मुस्लीम भाव आसा जवळ जवळ 7 ते 8 हजार प्लस वोटींग आसा आनी आमी तेंकां कितें तरी करपाक जाय. जशें आतां आमकां आमच्या मायनॉरिटी अध्यक्षान वायदन म्हटलें की आमी सगळ्यांनी मेळून दाजी साहेबाक इलेक्ट करून हाडलो. खरोखरच आमकां मायनॉरिटी वोटींगाचे आमी विनींग जाल्लेले आसा. की आमचो समीर पालेदार आनी अय्याज शेख दाबोलीच्यान तेंचे नॉमिनेट जाल्ले आसा हज गोवा हज कमिटीचेर. आमचो उर्फान मुल्ला डायनॅमीक आसा हें सगळें टायम आमच्या आमदार दाजी साळकर मोविन सरांनी हें सगळें केल्लें आसा. आमी एकूच दाखोवन दिता आमच्या मोदीजींचे म्हणप एक भारत श्रेश्ठ भारत हेतून हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन आमी खंयच विभाजन करना. कशें म्हटलें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ह्याच मूळ मुद्द्याचेर आमी वयता. आयज आमकां बरें दिसता की समीर हांगाच्यान नॉमिनेट जाता. म्हाका दिसता मुरमगांव तालुक्यांतल्यान चडान चड जे गरीब लोक आसा गरीब मुस्लिम भाव भयणी जे आसा तांकां हजाक वचपाक मेळना तांकां आमी सगळ्यांनी मदत करपाक जाय. तेंचे नॉमिनेशन पयलीं वचूंक जाय आनी तेंच्यांनी हजाक वचून आमच्या गोंया खातीर आमच्या देशा खातीर थंय प्रार्थना करूंक जाय हीच मागणी. आनी एक चान्स दिला आनी आमी तेजे बरोबर सदां रावन काम करून तेका निवडून हाडिल्लो. इलेक्शन जिकले उपरांत आमकां एक फर्स्ट चान्स पडला. आतां मायनॉरिटी सून आमचो एक मनीस समीरबाई गेला हज कमिटीन ते आमकां आनी बरी खुशी जाली की दाजीबाई बारा रावन एक पार्टी बारा रावन आमी काम करता आमकां काम करपाक चान्स मेळटा. आनी दाजीबाईची आख्खी टीम भारतीय जनता पार्टीची आख्खी टीम आमकां बराबर आहा आनी आमकां फूल सपोर्ट करता आनी हेजे आमी खूब खात्री आहा दाजी सराचे कितें आमच्या मनशाक चान्स दिला आनी आमी फुडें बी काम करपाक शकता म्हणून आनी आमी अशें सगळे जाण मनानसून दाजी बारा रावन फुडें आनी काम करता मायनॉरिटी. और समीरबाईचे इतना रिक्वेस्ट करूंगा की हज कमिटी को एक नया यंग डायनेमिक चेयरमैन मिला उरफान मुल्ला और उसकी टीम भी एक यंग डायनेमिक टीम बनाई उसने. सदानंद सेठ सर के सपोर्ट सीएम सर के सपोर्ट से ये बहुत कुछ कर सकते हैं हज कमेटी के लिए और इसके आगे बहुत कुछ करेंगे भी ये लोग मिलकर. और एक रिक्वेस्ट है कि ये नई कमेटी सीएम सर और सदानंद सेठ सर से रिक्वेस्ट करके गोवा में जल्द से जल्द एक हज हाउस बनाए और गोवा का जो फ्लाइट यहाँ से कैंसिल हुआ है वो फ्लाइट भी जल्द से जल्द ये लोग इसी साल से हजियों को गोवा से जाने के लिए फ्लाइट की सुविधा भी गोवा से ही करें. सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दाजी सर से कि ये थोड़ा प्रपोजल आगे आप डालें उरफान मुल्ला के पास सीएम सर के पास ये रिक्वेस्ट करें कि हमारी जो गोवा की जो फ्लाइट कैंसिल हुई है हजियों को यहाँ से जाने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है गोवा से तो हज के लिए गोवा फ्लाइट स्टार्ट करें. हमका लास्ट टाइम पार्टी ने थोड़ी नवा मांगी मुझे हज कमिटी मेम्बरा खातीर आनी आमी आमच्या वास्कोसून समीर पल्लेदाराचे नाव धाडिल्ले मोविन सरान शेख अय्यासाचे धाडिल्ले आमी मुरगांव तालुक्यातले लोक सगळे हॅप्पी आसा की आमची दोनूय नांवां सरकारान एक्सेप्ट केली आनी आज तांकां अपॉइंटमेंट लेटर्स आमी घेवन आयल्या. सो तांणी बरें काम करचें हज हजाक पय जे लोक वतात एक पवित्र असो तांचो तो दौरो आसता आनी तो दौरो बरो जावचो हाज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार म्हणजे नॉट ओन्ली हज बाकीचे खंयचेय समाजाचे जे खंयचे दौरे करतात नाजाल्यार सगळ्या समाजांक फुडें घेवन वचपाचे जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे स्वप्न आसा ते पुराय करपा खातीर आमी सगळे वावर करता आनी आज जी कमिटी काडल्या ती एक युथफूल कमिटी आसा. आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी आनी हांगा गोंयांत प्रमोद सावंत हे सगळ्याच म्हणटात की यूथ आमचे फ्युचर आनी खंय तरी युथांकूच आज आमी फुडें करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर एक बरी कमिटी काडल्याची म्हाका दिसता युथांची कमिटी काडल्या जी फुडें जे हजाक वतले नाल्यार हजा खातीर बऱ्यो फेसिलिटीज कश्यो दिवप हे सगळें पळोवपाची आज जबाबदारी तांचे कडेन आसा. आमचो सरकार मायनॉरिटी आसूं नाल्यार मेजॉरिटी आसूं सदांच सगळ्यांक सपोर्ट करता म्हणून आमी सदांच म्हणटा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास
ये धोरण आसानी सगैंक घून फुढ़े वह हाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देव बरे करूँ मंटा ऑनरेबल सीएम देव बरे करूँ मंटा पक्ष देव बरे करूँ मंटा क्या ऑनरेबल लास्ट टाइम पीएम जेना मोपा बसन आये स्पेसिफिकली संगले तुम्हें मुस्लिम समाजा कचात वोटा खीर वचनक ना मुस्लिम समाज वोट मारना हि जी धारणा थोड़े कांग्रेसवानी ना आनी को क्रिएट के ती आमकां नेगेटिव करून काढपाक जाय म्हणून आनी तांकां बरोबर घेवन आमी वचपाक जाय म्हणून तांच्या मनान कितें सपोज डाउट आसत जाल्यार कितेंय आसत जाल्यार तें आमी क्लियर करया पूण म्हाका दिसता आज मुस्लिम समाज खुबशे लोक भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान उबे रावल्या.